वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम हॉर्समैन इन्हीं जादूगरों को देखते हैं, जो एक मैजिक कम्युनिटी जिसका नाम आई था उसके मेंबर्स थे, और वो लोग अपने सेकंड मिशन का इंतजार कर रहे हैं जो उनको आई कम्युनिटी देने वाली है। आई कम्युनिटी के इस मिशन में वो बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं, और डेलन इन्हीं हॉर्समैन इन जादूगरों का लीडर होता है। लेकिन डैनियल को लगता है कि वो एक परफेक्ट लीडर नहीं है, और लीडर उसे इन्हीं डैनियल को होना चाहिए, और इसीलिए डैनियल अब खुद आई कम्युनिटी से कॉन्टेक्ट करता है। फिर वो एक अजीब सी टनल में जाता है जो उसके मुताबिक आई कम्युनिटी का सेंटर था, लेकिन यहाँ आने पर उसे कोई नहीं मिलता, सिर्फ एक आवाज मिलती है जो उसे कहती है कि डेलन तुम्हें सारे मिशन की डिटेल्स दे देगा। इसके बाद हम डेलन को देखते हैं जो कि असल में एक FBI एजेंट है। वो हर बार ऑफिसर्स को अपनी बातों में लगा कर हॉर्समैन इन्हें जादूगरों को बचा लेता था, लेकिन यहाँ पर डेलन की कुलीग को उस पर शक हो जाता है कि डेलन भी उन जादूगरों के साथ मिला हुआ है, और यही वजह है कि वो हॉर्समैन का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और डेलन अपनी बॉस को बातों में लगा कर उन्हें एग्री कर लेता है कि वो जादूगरों को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, जिस पर वो मान जाती है। लेकिन डेलन असल में जादूगरों को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके बाद डेलन जादूगरों से मिलता है और उन्हें बताता है कि इस बार हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑनर को पकड़ना है जो लोगों के पर्सनल डाटा को इलीगली यूज करता है, और हमने ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उसे एक्सपोज करना है। इसके बाद वो लोग उस कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज डेलन था, इसीलिए ये काम उनके लिए आसान हो गया था। डेलन उन्हें हर मुश्किल के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था और उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। यहाँ मेरिट जो कि हिप्नोटाइज मास्टर है, वो उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है जिस आदमी को उन्होंने एक्सपोज करना था। इसके बाद मेरिट उसे एक कैमरा के सामने खड़ा करता है जिसका डिस्प्ले सीधा कॉन्फ्रेंस में यानी स्टेज पर था। अब यहाँ पर वो आदमी वही बोलता है जो मेरिट उसे बोलने के लिए कहता है, और जब वो लोग अपना काम खत्म करने वाले ही होते हैं यानी उसे एक्सपोज कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका माइक काम करना बंद कर देता है, और स्क्रीन पर किसी अननोन पर्सन की रिकॉर्डिंग चल जाती है जिसमें वो आदमी जादूगरों के प्लान पर पानी फेर देता है, क्योंकि वो उन्हें ही एक्सपोज कर देता है और कहता है कि ये लोग FBI से भाग रहे हैं, और इनका मेंबर जैक जिसके बारे में सबको लगता था कि वो मर गया, वो भी जिंदा है। इसके बाद फोकस जैक पर चला जाता है और सबको पता चल जाता है कि जैक सच में जिंदा है। यहाँ डेलन सिचुएशन को सीरियस लेकर उन सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। इतनी ही देर में FBI भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और उसे भी डेलन पर शक होता है कि वो भी एक हॉर्समैन ही है, क्योंकि हॉर्समैन डेलन के सामने थे लेकिन फिर भी उसने उन्हें नहीं पकड़ा। अब जहाँ पर डेलन होता है तो वो अननोन वॉइस उनका सबसे बड़ा राज रिवील करती है, क्योंकि इस बार डेलन को एक्सपोज किया जाता है। वो अननोन वॉइस वाला आदमी कहता है कि हॉर्समैन 5 है जिनका लीडर कोई और नहीं बल्कि डेलन है जो कि FBI एजेंट है, इसीलिए FBI ऑफिसर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अपने मैजिक और ट्रिक्स का यूज करते हुए उन्हें ही वहाँ पर बंद करके खुद को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। वो हॉर्समैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, वो रूफ पर जाकर बड़े से ट्यूब में कूद जाते हैं जहाँ उनका प्लान था कि वो ट्रक में गिरेंगे और वो ट्रक उन्हें US लेकर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोग उस बड़े ट्यूब में जंप करने के बाद चाइनीज रेस्टोरेंट में आकर गिरते हैं। ये सब कुछ देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और तब मेरिट उन्हें बताता है कि ये जगह चाइना है असल में। वो लोग यहाँ पर हैरान भी थे कि वो चाइना कैसे आ गए, उन्होंने तो US जाना था। इसके बाद उन्हें यहाँ पर मेरिट का छोटा भाई चेज मिलता है जो बिल्कुल मेरिट जैसा था, और वो इन्हें बताता है कि ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज करके किया है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ, और उसी के कहने पर ही आज आप लोग US के बजाय चाइना है। और अब चेज उन लोगों को उसी बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। अब यहाँ पर वॉल्टर उन्हें सारी बात बताता है कि वो लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। वो कहता है कि मैंने डैनियल से आई कम्युनिटी का सारा डाटा ले लिया था, यानी जब डैनियल आई से बात करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, क्योंकि उस टाइम उसे आई नहीं बल्कि मैं बात कर रहा था, और वो आवाज जो उसने टनल में सुनी थी वो मेरी ही थी, और मैंने ही ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था, वो भी अपनी पर्सनल रीजन के लिए। और जिस ट्यूब में तुम गए थे वो मेरी ट्यूब थी, मैंने उसे वहाँ पर लगवाया था, और उस ट्यूब में हॉर्समैन को हिप्नोटाइज किया गया था जहाँ पर ये लोग 2 दिन तक बेहोश रहे, वो भी चेस के हिप्नोटाइज करने की वजह से। अब जैसे उन लोगों को यहाँ पर लाया गया, उन सब चीजों के पिक्चर्स वॉल्टर उन्हें दिखाता है। अब वो इनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ। और अगर वो काम को चूज करते हैं तो इस काम में उन्होंने एक चिप चुरानी थी जो वॉल्टर के ओपोनेंट ने बनाई थी, और वो चिप पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का डाटा हैक कर सकती थी।
उसके बाद वॉल्टर उन्हें इस चिप की डिटेल्स देता है और फिर उस पर वर्क करने के लिए कहता है। उधर यूएस पहुंचकर डेलन उन चारों हॉर्समैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्लान के मुताबिक वो तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं थे। इसीलिए अब डेलन उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी से भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर डेलन को ये लगता है कि सब कुछ थेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन ने मिलकर थेडियस को अरेस्ट करवाया था। लेकिन थेडियस उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हॉर्समैन इस टाइम कहाँ पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा भी सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं यहाँ जेल से निकल जाऊँ। उधर हम उन चारों हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डेनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वॉल्टर की बात मानने का भी उनका एक ही मकसद था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे। और इसीलिए डेनियल अब आई यानी आई कम्युनिटी से कॉन्टेक्ट करता है और अब वो लोग बहुत ही ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम से उस चिप को चुराने की तैयारी करते हैं। यहाँ डेनियल उन हॉर्समैन को लीड कर रहा था। वो लोग चिप को एक कार्ड में फिक्स करते हैं और इसके बाद उस कार्ड को मूव करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम डेलन को देखते हैं जो अब थेडियस के साथ चाइना आ गया था, और यहाँ पर डेलन को उसके फादर के बहुत सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं और एक लेडी डेलन को उसके फादर की वॉच भी देती है। इसके बाद थेडियस एक कॉफिन में जाता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों हॉर्समैन अपने मिशन के लिए बिल्कुल रेडी थे। मेलिटस कंपनी के एक खास आदमी को हिप्नोटाइज करता है, यानी जिसने वो चिप अपने बॉस तक पहुँचानी थी, और फिर वो चारों हॉर्समैन उस आदमी के जरिए डेटा सेंटर तक पहुँचते हैं और वहाँ वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे वो कंपनी के रिसर्चर्स हैं और वो इस चिप की रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उस चिप के बारे में बताने के लिए वहाँ पर डेटा सेंटर का मैनेजर भी मौजूद था। इसके बाद वो लोग चिप तक जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं, और इस मेटल डिटेक्टर का मतलब था कि उन्होंने वो चिप इसके अंदर से लेकर जानी थी। इसी दौरान जैक भी अंदर जाने के लिए उस मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और जैक को रोक लिया जाता है। यहाँ जैक अब अपना वॉलेट निकाल कर उन लोगों को दे देता है और इस तरह जैक भी अब अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर मैनेजर जब उन्हें चिप के बारे में बता रहा होता है तो मैरिट ड्रामा करने लगता है। वो चीखने लगता है जोरों से। वो कहता है कि यहाँ के एनवायरमेंट में कुछ ऐसा है जिससे मुझे एलर्जी है। और जब वो लोग मैरिट को देखने लग जाते हैं तो जैक जल्दी से वो चिप निकाल कर ले आता है, और जैसे ही जैक वापस आकर वहाँ पर खड़ा होता है तो मैनेजर को उस पर शक होने लगता है। इसीलिए मैनेजर उन सबकी चेकिंग का ऑर्डर देता है और वो लोग चिप को एक दूसरे को पास करते हुए अपनी चेकिंग कम्प्लीट करवा देते हैं। और जब उन लोगों को कन्फर्म हो जाता है कि चिप इन लोगों के पास नहीं है तो वो उन्हें जाने देते हैं, और इस टाइम चिप मेरिट के पास थी। अब तीनों हॉर्समैन तो मेटल डिटेक्टर से गुजर जाते हैं, लेकिन मेरिट मेटल डिटेक्टर से पीछे ही खड़ा रहता है। यहाँ पर जैक मेरिट को वहाँ से निकालने के लिए बहुत ही चालाकी से अपना वॉलेट वापस मांगता है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर सबको बता देता है कि क्योंकि ये वॉलेट पास होने वाला है इसीलिए मेटल डिटेक्टर अलार्म बजेगा। तब उस वॉलेट को पास करते हुए मेरिट बड़ी चालाकी से उस चिप को लूला की तरफ फेंकता है, लेकिन ये चीज कोई भी नहीं देख पाता और फिर वो लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब चिप चुराने के बाद डेनियल एक मार्केट में आई कम्युनिटी के लोगों का वेट कर रहा था ताकि वो चिप आई को दे सके, लेकिन तभी वहाँ पर डेलन आ जाता है। अब यहाँ पर डेनियल डेलन को ऐसे शो करवाता है जैसे वो लोग उससे नाराज हैं, क्योंकि उसने ना तो उनसे कॉन्टेक्ट किया था और ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी। तब इसी दौरान वहाँ पर वो बिजनेस मैन यानी वॉल्टर आ जाता है, यानी जिसने वो चिप चुराने का कहा था। अब यहाँ पर डेनियल को पता चलता है कि वॉल्टर ने उसे एक बार फिर से बेवकूफ बना दिया, क्योंकि वॉल्टर ने एक बार फिर से आई बनकर डेनियल से बात की थी और इस तरह चिप अब आई की बजाय वॉल्टर के पास ही जाने वाली थी। तभी वहाँ पर डेलन आ जाता है और वो ऐसे शो करवाता है कि जैसे उसने डेनियल से चिप ले ली है, और वॉल्टर के सारे आदमी डेलन के पीछे पड़ जाते हैं। डेलन उन सारे लोगों के साथ अकेला ही फाइट कर रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर मेरिट का भाई चेस आ जाता है और वो डेलन को हिप्नोटाइज करके सुला देता है, और एक कंटेनर में डालकर उसे वॉल्टर के पास लाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर असल में आर्थर का बेटा है, यानी उस बिजनेसमैन का बेटा है जिसे इन चारों हॉर्समैन ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। अब यहाँ पर डेलन को एक बॉक्स में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है, और ये बॉक्स डेलन के फादर का ही था। बॉक्स में डेलन को याद आता है कि उस लेडी ने मुझे मेरे फादर की घड़ी दी थी, और जब वो उसे चेक करता है तो उसके अंदर से एक पिन निकलती है जिसकी हेल्प से वो बॉक्स तो खोल लेता है, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद चारों हॉर्समैन आकर डेलन को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये सारा खेल थेडियस और आर्थर का ही था, यानी डेलन की प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक थी, यानी उसी ने ही हॉर्समैन को रिवील किया था, और थेडियस ने डेलन के साथ गेम खेल कर खुद को जेल से बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो लोग उसी मैजिक शॉप में आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने मैजिक की कुछ चीजें ली थी, और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि शॉप के दोनों ऑनर्स भी मैजिशियंस हैं और वो दोनों भी आई कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। इसके बाद वो प्लान करते हैं कि वॉल्टर और आर्थर को कैसे एक्सपोज किया जाए। वो सब लोग यूट्यूब के थ्रू अपना मैसेज देते हुए बताते हैं
जेफरी हम अपना अगला शो लंदन में करने वाले हैं और अब वाल्टर भी लंदन के लिए तैयारी करता है क्योंकि वाल्टर वो चिप लेना चाहता था जो कि अभी भी डेनियल के पास थी और जो चिप वाल्टर ने डेलन को किडनैप करके ली थी वो तो नकली चिप थी। और यहाँ अब हम देखते हैं कि FBI और वाल्टर दोनों ही हॉर्समैन की लोकेशन का पता चलवा रहे थे जहाँ वाल्टर को मेरिट की लोकेशन का पता चल जाता है, इसीलिए वो चेस को मेरिट के पास भेजता है ताकि वो उसे हिप्नोटाइज करके उनका प्लान जान सके। इसके बाद चेस अपने भाई मेरिट के पास जाता है और उसकी आंखों से उनका प्लान जानने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी मेरिट उसे धक्का दे देता है और वो किसी और आदमी से टकराता है। इसके बाद उन चारों हॉर्समैन को पता चलता है कि वाल्टर को हमारा प्लान पता चल चुका है, इसीलिए वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं। और अब जब वो सारे लोग बाइक चलाकर वहाँ से भागने वाले थे तो यहाँ मेरिट को बाइक चलाना नहीं आता था और इसी दौरान उन सबको वाल्टर के आदमी पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम उन सबको एक जेट प्लेन में देखते हैं। यहाँ पर आर्थर डेनियल से वो चिप मांगता है। अब पहले तो वो देने से इनकार करता है, लेकिन जब वो डेनियल को धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे एक साथी को मार देंगे तो डेनियल उन्हें वो चिप निकाल कर दे देता है। और अब चिप मिल जाने के बाद वाल्टर कहता है कि अब इनका क्या किया जाए, जिस पर चेस कहता है कि इन्हें प्लेन से बाहर फेंक दिया जाए। अब क्योंकि आर्थर और उसके बेटे वाल्टर को वो चिप मिल गई थी इसीलिए वो लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थर को कुछ अजीब लगता है, इसीलिए जब वो अपने वाइन की बोतल का स्टिकर उतारता है तो उस पर लिखा होता है फूल। तभी अचानक से प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और जादूगर हंसते हुए उन्हें विंडो से देख रहे होते हैं। इन्हें जब उन्हें नीचे गिराया गया था तो वो नीचे नहीं गिरे थे, इसीलिए अब जादूगर उन लोगों को बाहर आने का कहते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वाल्टर ने हॉर्समैन को नहीं बल्कि हॉर्समैन ने वाल्टर को पकड़ा है और साथ साथ उसके फादर को भी। और जिस प्लेन के बारे में वो सोच रहे थे कि वो इसे लेकर टेक ऑफ कर गए हैं, वो प्लेन भी असल में अभी तक जमीन पर ही था। इसके बाद मेरिट अपनी ट्रिक्स बताता है। इन जिन ट्रिक्स को यूज करते हुए उन्होंने वाल्टर और उसके फादर आर्थर को पकड़ा। वो कहता है कि हमने इस कंटेनर के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा दिया था जिससे उन सबको लगे कि ये प्लेन टेक ऑफ कर गया है। और यहाँ पर हमें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी पता चलता है जिससे चेस टकराया था, यानी जब मेरिट ने उसे धक्का दिया था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था जिसने चेस को हिप्नोटाइज कर लिया था ताकि वो वाल्टर और उसके फादर आर्थर को ये आइडिया देगा कि हॉर्समैन को उड़ते हुए जहाज से नीचे फेंक दिया जाए। इसके बाद वहाँ पर FBI आ जाती है जो उन दोनों बाप बेटों के साथ चेस को भी अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे वो हॉर्समैन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं तो हॉर्समैन यहाँ से गायब हो चुके थे। और यहाँ पर डेलन की बॉस उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरह बनूं, तुम्हारी तरह सोचूं, क्योंकि तुम सबसे अलग सोचते हो, लेकिन तुम तो एक क्रिमिनल निकले। जिस पर डेलन कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझती थी, मैं अच्छा ही काम करता था और अभी भी अच्छा ही काम करता हूँ। इसके बाद डेलन अपने बॉस को वो ओरिजिनल चिप देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सारे जादूगर आई कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं जहाँ पर मैजिक शॉप के ऑनर उन्हें वेलकम कहते हैं। इसके बाद डेलन एक रूम में जाता है और उस पर रिवील होता है कि असल में उसके फादर भी आई कम्युनिटी के मेंबर थे। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि थेडियस उसके फादर का फ्रेंड था, दुश्मन नहीं, और इतने सालों से वो थेडियस को गलत समझता आ रहा था। डेलन के फादर और थेडियस का काम था कि उनमें से एक मैजिक करेगा और दूसरा उसे एक्सपोज करेगा जिससे किसी को शक नहीं होगा कि वो दोनों दोस्त हैं। और अब थेडियस डेलन से कहता है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपने फादर से भी अच्छे जादूगर हो और मैं इस काम से रिटायरमेंट चाहता हूँ और आई कम्युनिटी के अगले हेड तुम ही होगे, यानी कि अगला हेड अब डेलन होगा। अब भाई उन चारों हॉर्समैन को भी ये गेम समझ आ जाती है और उन्हें डेटा सेंटर का मैनेजर भी मिलता है जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। असल में वो भी आई कम्युनिटी का मेंबर था। और अब थेडियस उन सबको एक रूम में भेजता है जहाँ पर बहुत सारी स्टेयर्स थी और यहाँ पर आई कम्युनिटी का सिंबल दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर